ये चीज अब यहाँ पर देखो इसको क्या करना है, यू मान लीजिए, इसको क्या कीजिए, मान लीजिए मान लीजिए लेट यू बराबर ये टेन एक्स होल पावर क्या हो गया साइन एक्स एंड वी बराबर आपको क्या हो गया साइन एक्स होल पावर क्या हो गया टेन एक्स। अब देखिए लॉग यू, लॉग यू इसमें लॉग लगा दीजिए टेन एक्स होल पावर क्या हो गया साइन एक्स, ये लॉग यू, अब ये पावर है ये गुना हो जाएगा साइन एक्स लॉग क्या हो गया टेन एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन, यू का क्या होगा वन बाय यू और डी यू बाय डी एक्स। अब देखो साइन का क्या होता है कोस एक्स लॉग टेन एक्स, अब देखो साइन एक्स रहेगा ही ये लॉग टेन एक्स का क्या होगा वन बाय टेन एक्स, ये सेक स्क्वायर क्या होगा एक्स, डी यू बाय क्या होगा डी एक्स। अच्छा यू का मान क्या है देखो यू इधर भागा में है इधर गुणा होगा, अब देखिए कोस एक्स लॉग टेन एक्स ये साइन एक्स है, उसके बाद देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस एक्स बटे साइन एक्स, ये आपका क्या हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, ये कट गया ये और ये कट गया ये डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स बराबर क्या होगा बोलो u का मान है टेन एक्स होल पावर क्या है साइन एक्स, और यहां पर आपको हुआ कोस एक्स लॉग टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इनको समीकरण एक मानिए, उसके बाद भी बराबर है साइन एक्स होल पावर क्या है टेन एक्स लॉग भी लॉग साइन एक्स होल पावर इस पर क्या है टेन एक्स है ना, पावर गुना हो जाता है टेन एक्स लॉग साइन एक्स लॉग भी एक्स वन बाय भी डी वी बाय डी एक्स टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स वन बटे साइन एक्स कोस एक्स डी वी बाय डी एक्स भी इंटू सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स। अब देखो ये जो है कोस बटे साइन क्या होता है कोट होता है, कोट होता है ना कोस बटे साइन कोट क्या होता है वन हो जाएगा, तो टेन और कोट का गुना वन होता है। अभी का मान क्या हो गया साइन एक्स होल पावर क्या हो गया टेन एक्स
ये sec स्क्वायर x log sin x प्लस 1 log sin x प्लस 1 इनको उतारिए तुम इसको समझने में दिक्कत है तो एक बार और समझ लो देखो y बराबर क्या है 10x होल पावर sin x प्लस sin x होल पावर 10x इसको हम u मान लिए और इसको हम v मान लिए दोनों तरफ अगर आप और लिखना चाहो तो ट्रैकिंग लॉगरिथम बोथ साइड मतलब दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर तो log u हो गया इसमें लोग लग गया तो ये पावर में क्या होता है गुना हो जाता है ना लोग एम पर पावर एम क्या होता है एन लोग एम क्या होता है एन लोग एम ये फॉर्मूला होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जो यू है ना लोग में जो रहता है ना वो मान क्या हो जाता है पर में आ जाता है ना तो वन बटा क्या होगा यू फिर यू का भी ना डिफ्रेंशिएट होगा तो डी यू बटा क्या होगा डी एक्स में होगा अगर यू के सापेक्ष करते तो वन हो जाता ये बराबर हो गया और साइन का क्या होता है कोस होता है ना ये लॉग 10x यहाँ पर रहेगा है ना अब ये प्लस होगा क्योंकि ये यू भी के फॉर्मूला पर है किस फॉर्मूला पर है तो बीच में क्या होता है प्लस में होता है तो साइन एक्स अब स्थिर रहेगा अब क्या होगा लॉग 10x का डिफरेंशिएट होगा तो लॉग 10x है ना 10x यहाँ पर लॉग में देखो क्या है 10x है ना ये कहाँ पर आएगा हर में आएगा ना अब 10x का डिफरेंशिएट क्या होगा sec स्क्वायर x होगा ये इधर u भागा में इधर क्या होगा गुणा होगा e cos x हो गया ये log 10x हो गया ये क्या हो गया प्लस हो गया ये sin x अब देखो 10x को हम क्या लिख सकते हैं cos बटे ये 1 बटा है ना 1 बटा है वैसे रहता तो क्या लिखते sin बटे cos क्योंकि 1 बटा है तो हम क्या लिखेंगे cos बटे उल्टा नहीं सोचेगा क्योंकि 10 यहाँ पर क्या है ये इनवर्स पे ना है जी अब देखिए sec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 बटे cos स्क्वायर x तो ये साइन और ये साइन कट गया ऊपर नीचा करता है ना जी ये साइन अंश में ये क्या है हर में ऊपर नीचा कट रहा है ये कट गया ये कट गया यहाँ पर दो गो कोस गुना है यहाँ पर एगो कोस है तो एगो कोस कट जाएगा नीचे का नहीं कट गया तो देखो क्या बचा वन बटे कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं sec x वन बटे कोस x को हम क्या लिखेंगे sec x तो du क्या होगा dx अब देखो u का मान क्या है देखो u का मान 10x होल पावर क्या है sin x 10x होल पावर क्या होगा sin x अब देखो ये क्या है cos log 10x तो cos log 10x ये यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 बटे cos को क्या लिख सकते हैं sec इनको हम क्या मान लिए समीकरण फर्स्ट ये v बराबर आपको देखिए यहाँ पर v बराबर क्या माने है sin x होल पावर 10x हो गया log दोनों तरफ लगा दिए तो क्या हो गया log v ये जो इधर भी लोग लग गया ये जो पावर 10x है किसमें आएगा गुना में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लोग भी का क्या होगा 1 बटे v या dv बटे dx बराबर अब देखो 10x का क्या होगा डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x log sin x हो गया u भी के फॉर्मूला पर है यहाँ पर क्या होगा प्लस अब देखो 10x का क्या हुआ था डिफरेंशिएट अब किसका डिफरेंशिएट होगा 10x स्थिर रहेगा log sin x का क्या होगा sin x का 1 बटे sin x sin x का क्या होगा cos x होगा cos बटे sin cot cos बटे sin क्या होता है cot उसके बाद देखो तो 10x गुना क्या हो गया cot x उनका मान क्या होता है एक नहीं यह समझ में आए तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं sin बटे cos नहीं लिख सकते हैं तो साइन साइन खत्म हो जाएगा कोस कोस खत्म हो जाएगा एक क्या बचेगा चलिए ये गुना यहाँ पर भागा में तो इधर क्या होगा गुना में तो यहाँ पर भी आ गया ना नहीं आ गया अब यहाँ पर देखिए ये sec स्क्वायर x हो गया ये log sin x हो गया प्लस और यहाँ पर आपको क्या मान निकल के आया है वन ये वन दे दिए अब देखो भी का मान क्या है sin x होल पावर 10x sin x होल पावर 10x अब देखो ये sec स्क्वायर x log sin x प्लस क्या हो गया वन ये हो गया वह बनाओ इनको हम क्यों क्या माने हैं यू इनको हम भी माने हैं तो x के सापेक्ष दोनों तरफ हम अवकलन कर देते हैं तो du बाय क्या होगा डी एक्स प्लस क्या होगा dv बाय डी एक्स अब देखो du बाय डी एक्स का मान क्या है तो du बाय डी एक्स का मान आप यहाँ से लो ये du बाय क्या है dx का मान है
तो क्या है बोलो तो टेन एक्स, टेन एक्स होल पावर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स लॉग वाई बराबर वन प्लस लॉग टी, वन प्लस लॉग टी, लॉग टी फाइंड करना डिवाइड किया फाइंड कीजिए तो डी वाई बाय डी एक्स ये वाट है। देखो अब आपको करना क्या है, ये टी है ना, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो प्लस जी हाँ देखो ये यू हो गया, ये क्या हो गया, एक बार टी का डिफरेंशिएट करते हैं क्या करेंगे, टी का डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष क्या होगा, वन होगा, एक होगा, क्या होगा वन, जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के सापेक्ष तो मान क्या हो जाता है वन, एक्स का एक्स के सापेक्ष वन, टी का टी के सापेक्ष वन, वाई का सापेक्ष क्या होगा, इसलिए टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा वन, एक पावर क्या हो गया टी, अब टी क्या रहेगा स्थिर रहेगा, अब टी क्या रहेगा एक पावर टी का डिफरेंशिएट होगा तो एक पावर टी का डिफरेंशिएट क्या होता है पावर टी, टी होता है ई पावर टी प्लस क्या हो गया टी, ई पावर टी, ई पावर टी कॉमन ले लो वन प्लस क्या हो गया टी, ये आपका क्या हो गया डी एक्स बाय डी टी, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो ये है वाई, इसको भी टी के सापेक्ष कर दो डी वाई बाय डी टी, वन का क्या होगा जीरो, लॉग टी का क्या होता है वन बाय टी, तो वन बाय क्या हुआ टी, ये समीकरण आपका क्या हो गया दो। अब देखो डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, जरा एकदम ध्यान से देखो और बताओ दो में भाग दे एक से या एक में दे दो से भाग, दो में एक से भाग दीजिए, इसलिए क्योंकि देखो वाई डी वाई ऊपर में है इसलिए दो जो है ऊपर में रहेगा, एक क्या होगा नीचे, इसलिए दो बटे क्या करोगे वन, अच्छा डी वाई बाई डी टी का मान क्या निकला है वन बाय टी, वन बाय टी, और डी एक्स बाई डी टी का निकला है ई पावर टी और वन प्लस टी। अब देखिए ये जो टी है नीचे आ गया ना, ये और ये कट गया ना डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये आंसर हो गया। नौ नंबर का सवाल देखो इम्पोर्टेंट है, वाई बराबर क्या है एक इनवर्स रूट ओवर एक्स प्लस वन, रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस वन है, रूट ओवर क्या है एक्स प्लस वन है। देखो इनको बदल दो कोस में, कोस इनवर्स इनका क्या होगा रूट ओवर एक्स माइनस वन, रूट ओवर क्या होगा एक्स प्लस वन, ये आपको क्या होगा साइन इनवर्स रूट ओवर करना एक्स, हाँ तो जीरो। देखो देखने में सिर्फ भारी लगेगा लेकिन थोड़ा सा क्या करेंगे ढंग से क्वेश्चन को आप सजा लेंगे फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे तुरंत बन जाएगा। इनका मान क्या होता है पाई बाय टू, और इनको जो है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट है, इनका मान क्या हो गया जीरो, और ऐसा मान किस ऑप्शन में है डी में है, तो डी इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद देखो पॉइंट ये यहाँ पर आपको y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर जोड़
3x माइनस 4। और वक्र का बिंदु भी दिया है, ये जो है वक्र किस बिंदु से होकर के पासिंग करता है, तो 1 से पासिंग करता है, 1 से जाती है। तो dy by dx करो, ढाल निकालना है। ढाल किसको कहते हैं? dy by dx इसमें थोड़ी है ढाल, ढाल तो आगे आगे वाला चैप्टर में है ना, डिफरेंशिएट है, कर देते हैं सब देते हैं। Plus 3 उसके बाद देखो 11 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ये वाई बराबर sec और tan इनवर्स एक्स है ना, इसको जो है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स। तो सेक का क्या होता है बोलो तो tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना। तो देखो ये tan और ये tan खत्म हो गया, क्या बचा x sec tan इनवर्स x और बटा क्या हो गया 1 प्लस x स्क्वायर। देखो ऐसा किस ऑप्शन में है, अभिलंब फिलहाल